हेलो एंड वेलकम एवरीवन आई वैशाली वर्मा वेलकम यू ऑल टू द स्टोरी टेलर्स इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू रीड आउट द स्लेव्स ड्रीम पोएम बाय एच डब्ल्यू लॉन्ग नाउ बिफोर द पोएम आई एम टेलिंग यू अ ब्रीफ अबाउट द पोएम दैट इज आपने इससे पहले स्लेवरी का या फिर दास्ता का नाम सुना होगा इन ब्रिटिश रीन और कई बार ऐसा हुआ करता था जब कंट्रीज़ में जो पुअर लोग होते थे उनको एज अ स्लेव लोग ओन करते थे और ऐसा माना जाता था जो स्लेव है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सेम पर्सन जिसने उसको ओन किया है परचेज किया है उनको बहुत ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था उनको उनके घर नहीं जाने दिया जाता था बहुत गंदा खाना दिया जाता दे वर नॉट ट्रीटेड लाइक ह्यूमन्स एज वेल उनको इंसान भी नहीं माना जाता था सो so, इस पोएम में जो पोएट है एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो उन्होंने ये बताया है कि एक स्लेव है जो कि एक बड़ी सी फील्ड के अंदर है और वो अपने ड्रीम में क्या सोच रहा है दैट इज गिवन इन द दोयम सो विदाउट अ लेट अस स्टार्ट द वीडियो बिसाइड द अनगैदर्ड राइस ही ले बिसाइड का मतलब होता है पास में नियर तो जहां पर अनगैदर्ड मीन्स अनकलेक्टेड राइस थे ही वॉज लाइंग ओवर वो वहां लेटा हुआ था हिज सिकल इन हिज हैंड और उसके हाथ में सिकल थी यू कैन सी इन इमेज टू दिस दिस इज कॉल्ड एज सिकल हिज ब्रेस्ट वॉज बेयर एंड बेयर मीन्स अनकवर्ड सो उसने क्लोथ्स नहीं पहने हुए थे हिज मैटेड हेयर्स मैटेड का मतलब होता है नॉटर और टैंगल्ड उलझे हुए हेयर्स वॉज बुरीड इन द सड उसके जो बाल थे वो उलझे हुए थे और सैंड यानी रेत के बीच में बुरीट बुरीट का मतलब होता है दबा देना दबे हुए थे अगेन इन द मिस्ट एंड शेलो इन स्लीप और उस जगह जहाँ पर वो था शेलो इन स्लीप उसे नींद आ गई वो नींद में था ही वॉज हिज नेटिव लैंड और अब सो जाने के बाद वो ड्रीम में क्या देख रहा है कि वो अपने नेटिव लैंड में है उस जगह है जहाँ वो रहता था अपने घर पर है वाइट थ्रो द लैंडस्केप इन हिस्सम और कहाँ है उन सारे लैंडस्केप उन सब जगहों पर घूम रहा है अपने सपने में द लाउडली नाइगर फ्लोस जहाँ पर नाइगर रिवर बह रही है लाउडली मीन्स बहुत सारी शोर के साथ बीनत द पाम ट्री ऑन अ प्लेन और एक प्लेन जगह पर पाम का जो पेड़ है बीनत का मतलब होता है अंडर उस पेड़ के नीचे वंस मोर अ किंग स्ट्रोट एक बार फिर एक राजा स्ट्रोट मतलब अपने जो उसका चैरट था उसको ड्राइव कर रहा था वहाँ घूम रहा था एंड हर्ड द टिंकलिंग कारवास टिंकलिंग का मतलब होता है हल्की नॉइस के साथ वहाँ से गुजर रहे कारवाज इज़ अ बंच ऑफ पीपल जब वहाँ से बहुत सारे लोग जो गुजर रहे थे उनको सुन रहा था डिसेंट ऑन माउंटेन रोड और आगे बढ़ा उस माउंटेन की रोड पर ही सॉ वंस मोर हिज डाक आइड क्वीन और एक बार फिर से उसने अपनी डाक आइड क्वीन को देखा यहाँ डाक आइड क्वीन मतलब उसकी वाइफ की बात हो रही है अमंग हर चिल्ड्रन्स स्टैंड और उसके पास ही उसके बच्चे भी खड़े थे दे क्लैप्स हिस्नेक और जैसे ही उन्होंने अपने फादर को देखा क्लैश्ड का मतलब होता है हक डिम वो आए और उन्होंने उसे गले से लगा लिया दे किस्ट हिज चीक्स एंड देन दे हेल्ड म बाय द हैंड और फिर उसका हाथ पकड़कर हेल्ड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ होल्ड सो इसका मीन्स है होल्डिंग पकड़ना आर टीअर बर्स्ट फ्रॉम द स्लीपर्स लेड और जब वो ये सब कुछ सपने में देख रहा था तो उस सो रहे पर्सन की स्लीपर्स लेट सो रहा जो इंसान था उसकी लेड यानी आई से टीयर बर्स्ड आंसू आने लगी ही स्टार्टड क्राइम एंड फेल्ड इन टू द सैंड और जो उसके टीयर्स थे देवर फेलिंग डाउन गिर रहे थे उस सैंड में And then, at furious speed he rode. और उसके बाद furious means at very high speed. He rode. क्या है Ride की second form है. की उसने राइड किया अपने को. बहुत तेज़ में. अलॉन्ग बैंक उस नाइगर रिवर के बैंक पे किनारे पे. हिज ब्रिडल रीन्स जिनसे बांधा जाता है एक हॉर्स को चैरियट पे आर कॉल्ड ज ब्रिडल रीन्स हिज ब्रिडल रीन्स व गोल्डन चेंस सो उसने अपने जो हॉर्सेस थे उनको चैरियट से गोल्ड की चेंज से बांध रखा था एंड विद द मटीरियल चंक एंड विद द मार्शल क्लैंक मार्शल कैंक जो उसकी वॉर के लिए पीपल थे द लोक देवर मार्शल क्लैंक्स एट ईच लीप ही फील हिज स्क्रैपड ऑन स्टील स्मिटिंग हिज फ्लैंक सो हर बार is जो uh, sword है sword का जो back side होती है that is called as स्क्रैबर So जब भी वो आगे बढ़ रहा था at each leap, when he was moving, he can feel कि उसके पास एक sword है एक तलवार है smiting his सैलिय flank. और वो क्या कर रहा है अपने horse को hit कर रहा है ताकि उसका horse और जल्दी आगे बढ़े बिफोर हिम उसके पहले लाइक अ ब्लड रेड फ्लैग एक बड़े रेड कलर के फ्लैग के साथ उसके जैसा लग रहा है ब्राइट फ्लैमेंगोज फ्लू फ्लेमिंगो पिंक कलर की बर्ड्स होती हैं जो उसके सामने से उड़कर जा रही हैं और उनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ब्लड रेड कलर का फ्लैग उसके सामने हो फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट सुबह से लेकर रात तक ही फॉलोड देयर फ्लाइट और उसने उनका पीछा किया फॉलोट देयर फ्लाइट जहाँ जहाँ फ्लाइट इज़ उड़ना जहाँ भी वो फ्लैमेंगोज उड़ रहे थे वो उनका पीछा कर रहा था ओवेयर प्लेन्स वेयर द टैमरन्स ग्रो सो ओवेयर प्लेन्स वो उन प्लेन्स तक गया जहाँ टैमरिन टैमरिन एक ट्री का नाम है जहाँ वो टैमरिन ग्रो कर रहे थे टिल ही सो द रूफ्स ऑफ शेरफ हट्स और जहाँ वो देख सकता था सैफरे सैफरे हट्स जहाँ वो सैफरे एक ट्राइब का नाम है उनके हट्स को देख सकता था एंड द ओशन रोज टू व्यू और वो वहाँ तक उस कार्ट को चैरियट को राइड करके गया जहाँ तक वो ओशन रोज टू व्यू रोज इज सेकेंड फॉर्म ऑफ राइस जहाँ वो देख सके उस ओशन को जो उसके सामने आ चुका था एट नाइट ही हर्ड द लाइन स्ट्रो रात को उसने लाइन की आवाज़ सुनी रोअर इज़ द साउंड ऑफ लाइन एंड द हाइना स्क्रीम हाइना एक बर्ड होती है उसकी भी आवाज़ उसने सुनी एंड द रिवर हॉर्सेस और रिवर हॉर्सेस को भी देखा उनको भी सुना एज ही क्रश द रीड्स एज ही क्रश द रीड्स रीड्स आर टॉल प्लांट्स जब तक वो आगे चलता गया रिवर हॉर्सेस को क्रॉस करके जब तक वो रीड्स को रीड्स के पास तक नहीं पहुंच गया क्रश करने का मतलब होता है तोड़ देना ब्रेक करना बिसाइड सम हिडन स्ट्रीम एक हिडन स्ट्रीम एक छुपे हुए रास्ते के पास एंड इट पास और फिर वो भी चला गया लाइक अ रोल ऑफ ड्रम और जिसको देख कर लग रहा था गैलोरियस इज प्रिटी ब्यूटिफुल जो एक बड़ा सा ड्रम है वो रोल हो रहा हो और गलोरियस है मीन्स इट इज लुकिंग प्रिटी थ्रू द ट्रायम्फ ऑफ हज ड्रीम और वो ये क्या था उस ट्रायम्फ का मीन्स होता है द सक्सेस और ये उसके ड्रीम की सक्सेस थी विक्ट्री थी जो ये इन सारी चीज़ों को शो कर रही थी विच वी हैव रेड टिल नाउ द फॉरेस्ट विद देयर मैरीड टंग मैरिड मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ़ सो जो फॉरेस्ट था वो जो जगह थी जहाँ वो था वो अपनी बड़ी सी टंग के साथ शाउटेड द लिबर्टी लिबर्टी मीन्स फ्रीडम चिल्ला रहा था उस स्लेव की उस पर्सन की फ्रीडम को एंड द ब्लास्ट ऑफ डेजर्ट क्राइड अलाउड और उसे देख कर जो डेजर्ट था वो बहुत ज़ोर से रो रहा था विद द वॉइस सो वाइल्ड एंड फ्री अपनी एक बहुत तेज और एक कभी दट ही स्टार्टेड इन हि स्लीप एंड स्माइल्ड और जो उसने स्टार्ट किया था अपने स्लीप में उस स्लेव ने शुरू किया था अपने ड्रीम में एंड स्माइल्ड और फिर जो वो स्लेव था वो वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर उसने स्माइल किया एट दियर टेम्पटियस ग्ली ग्ली means हैप्पीनेस and टेम्पियस is full of strong emotions so उन सारी चीज़ों को जो उसने अपने dreams में देखी थी अपने dream में देखी थी उन सब चीज़ों को सोच he was having a strong smile with happiness. He did not feel the driver's whip. विप और इस बार ड्राइवर्स विप इत ड्राइवर इज द वन जो उसको चला रहा था उसको वर्क करने के लिए दे रहा था सो ड्राइवर इज़ द पर्सन जिसको जिसने उसको स्लेव बना रखा था विप इज़ द वॉइस आवाज़ द कॉल दैट इज कॉल्ड एज विप उसे नहीं सुनाई दी उस ड्राइवर की विप उसकी आवाज़ और कॉल नॉट द बर्निंग हीट ऑफ द डे और ना ही नॉ ना ही उस गर्म दिन की जो हीट थी अब वो फील कर चुका था कर सकता था फॉर द डेथ ही एल्यूमिनेटेड द लैंड ऑफ स्लीप और डेथ ने उसके लिए इल्यूमिनेट कर दिया था दिखा दिया था या लिट अप कर दिया था इल्यूमिनेटिंग इज लिटिंग अप समथिंग द लैंड ऑफ स्लीप उस स्लीप के लैंड के रास्ते के लिए उसके ड्रीम के लिए उस डेथ ने उसे इल्यूमिनेट कर दिया था लाइट दिखाई थी एंड हिज लाइफ लेस बॉडी ले और उसकी लाइफ ना हो ऐसी लाइफ इज प्रेजेंस ऑफ लाइफ और लाइफ इज जिसमें लाइफ ना हो ऐसी बॉडी वहाँ पर ले डाउन कर रही थी या पड़ी थी और वो नाउट फटर जो एक पर्सन को बांधने के लिए प्रिजनर को बांधने के लिए यूज की जाती हैं सो so, तोड़ दी गई फैटर्स यानी चेंस दैट द सोल हैड ब्रोकन एंड थ्रोन अवे और सिर्फ वहाँ पर और क्या था उस बॉडी के अलावा एक सोल थी जिसने उन सारी के सारी फैटर्स को ब्रेक कर दिया था तोड़ दिया था And they were thrown away. Fake thi by that person. So this was the end of this poem. Hope you enjoyed the poem. If you did so, hit the like button and subscribe to the storytellers for more such videos. Thanks for watching the video. Signing off.